नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, आज हम जानेंगे हस्तरेखा के वह पांच महायोग जिससे यह पता चलता है कि जातक जीवन में अथाह धन संपत्ति का स्वामी बनेगा या नहीं। पहला, यदि आपके दाएं हाथ में बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत और शुक्र पर्वत पूर्ण उठान के साथ हो और हाथ की रेखाएं गुलाबी और देखने में सुंदर हो तो ऐसे जातक को अचानक अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से सुंदर और पूर्ण त्रिकोण का निर्माण होता है तो यह एक प्रकार का लक्ष्मी योग है जो धन संपत्ति के बड़े योग को प्रकट करता है। तीसरा, अगर आपके हाथ में मणिबंध से एक साफ सुथरी रेखा शनि पर्वत तक आ रही हो और साथ में जीवन रेखा से भी एक रेखा आकर यही मिल रही हो तो यह भी महाभाग्य का सूचक है। जीवन रेखा का विश्लेषण करवा इस योग के बनने का समय भी सरलता से जाना जा सकता है। चौथा, दोष रहित चंद्र पर्वत से यदि एक साफ सुथरी सुंदर रेखा बुध पर्वत के नीचे जाकर मिलती हो तो यह व्यवसाय द्वारा अथाह संपत्ति प्राप्त करने के योग होते हैं। पांचवा, मणिबंध रेखा से दो भाग्य रेखा बनकर शनि पर्वत के नीचे आ रही हो और उठान लिए हुए शुक्र पर्वत से कोई हल्की रेखा इनमें मिल रही हो तो ऐसा जातक महासौभाग्यशाली होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।